नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। अक्षय तृतीया जिसे अक्षय तीज भी बोलते हैं, इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह अबूझ मुहूर्त रहता है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो शादी हो, गृह प्रवेश हो, मकान खरीदना हो, वाहन लेना हो, सोना चांदी खरीदना हो, कोई भी बड़ी से बड़ी डील करना हो, कोई व्यापार प्रारंभ करना हो, यानी अपने जीवन की कोई भी जो सुखद चीज़ें हैं वो यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह त्यौहार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हम आपको कुछ उपाय बताने के लिए जा रहे हैं, यदि वो उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही अनेक समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। पहला उपाय हम उनके लिए बता रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन शादियां बहुत होती है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी जिसका कभी अंत नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो शादी जैसी चीज़ जो 7 जन्मों तक चलती है, तो शादी का इस दिन जो है बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन जो है हजारों शादियाँ जो है बगैर मुहूर्त के होती, किसी प्रकार के कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। मित्र शादी के लिए इस दिन जिनकी भी शादी नहीं हुई है, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, उस दिन उनको क्या करना चाहिए, सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में पीले वस्त्र धारण कर लें और पूर्व मुख होकर के बैठ जाएँ। एक प्लेट में, कोई भी प्लेट हो, स्टील की हो, चांदी की हो तो बहुत अच्छी है, उसमें एक साबुत जो है आप हल्दी की गांठ रख लें, और हल्दी की गांठ रखने के बाद में उसमें अक्षत पुष्प इत्यादि और कुमकुम आदि लगा दें, और 3 माला गायत्री मंत्र में ह्रीम बीज मंत्र लगा करके आप जाप कर लें। तो गायत्री मंत्र का जो स्वरूप होगा वो इस प्रकार से होगा, ओम भूर्भुवास्वा ह्रीम 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 तत्सवितुरवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम 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 ओम। इस प्रकार से यदि आप 3 माला का जाप करते हैं और उसके पश्चात में जो दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में जब आप पूजा स्थली पर जाएंगे तो उस हल्दी के गांठ को आप अपने पर्स में रख लें, तो निश्चित रूप से बड़े जल्दी शादी का योग बनेगा और आपके वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद रहेगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जिनको कोई चीज़ याद नहीं होती है, उनके अभिभावक बड़े परेशान रहते हैं। यदि बच्चा बड़ा है तो वो स्वयं कर सकता है, और यदि बच्चा बड़ा नहीं है तो उनके अभिभावक कर सकते हैं। उनको करना क्या है, इस दिन जो है प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में आप पीले वस्त्र धारण कर लें, पूर्व मुख होकर के बैठ जाएँ, एक गायत्री माता गुरुदेव का चित्र रख लें और एक साबुत हल्दी की गांठ लें और उसको पूरा जो है कलावा आने मौली धागा, इससे जो है आप उसको उसमें पूरा लपेट दें, और लपेटने के पश्चात उसको वहाँ पर रख दें, थोड़ा सा उसमें गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसमें जो है अक्षत पुष्प आदि थोड़ा सा लगा करके 3 माला गायत्री मंत्र में ह्रीम बीज मंत्र का संपुट लगा करके आप गायत्री मंत्र का जाप करें, जो हमने पहले बताया है उस मंत्र का आपको जो है जाप करना है, और दूसरे दिन उस हल्दी की गांठ को जो है निकाल करके जो कलावा है उसको जो है आप बच्चे के दाएं हाथों में बांध दें और उस हल्दी की गांठ को जो है आप उसके बस्ते में या फिर जो जो जिस टेबल पर वो बैठ करके अध्ययन करता है उसके ड्राइंग में आप रख दें, तो निश्चित रूप से फिर वो अच्छे नंबर से पास होगा और उसको किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयाँ पढ़ने में नहीं रहेंगी।